गलातियों पांचवा अध्याय सात से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। गलातियों पांच सात से लेकर 26 तक। तुम तो बलि बांधी दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक कतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डांडवाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाट काते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यनाश न कर दो। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात विभचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पगले से कह देता हूँ, जैसा पगले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाग करें। प्रिय भाई बहनों, इस जगह में पौलुस गलातियों के लिए कई चीजों को लिखकर अभी खत्म करने वाला है इस पत्री को। उसमें मेन चीजों को, मुख्य बातों को वो लिखता है। अभी तक व्यवस्था के बारे में, उसके द्वारा जो क्रिया के द्वारा जो धार्मिकता मिलता है उसके बारे में, और उसके विरोध में जो यीशु मसीह क्रूस में मेरे पापों को लेते हुए मेरे खातिर दंड पा लिया और उसका धार्मिकता को मेरे लिए दिया, इसके द्वारा पिता परमेश्वर के सम्मुख में मैं जा सकता हूँ। पिता परमेश्वर हमेशा मुझे यीशु मसीह का अंदर देखते हुए पवित्र देखते हैं, धर्मी देखते हैं। ये सब चीजों को पौलुस लिखते आ रहे हैं। इस जगह में मेनली हम देखते हैं पौलुस आखिर में लिखते हैं ये जो एक नया
एक मार्ग प्रभु ने दिखाया है, वो प्रेम का मार्ग है। अब कोई भी व्यक्ति को देखिए, इवन छोटे बच्चों को भी, नहीं तो बुढ़े लोगों को भी, ऐसे कोई भी लोगों को, ऐसे बैठ नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। छोटे बच्चों को भी अब देखिए, उसका कुछ नौकरी वोकरी नहीं है, कुछ जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग शांत शांति से एक जगह में नहीं बैठेंगे, वो लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे सोने तक। वैसे ही बुढ़े लोगों को देखिए, वो लोग छोटे बच्चे लोग तो अभी अभी शुरू कर रहे हैं जीवन को, सब सीख रहे हैं। बुढ़े लोगों को देखिए, बुढ़े लोग सब सीख चुके हैं, जिंदगी खत्म होने वाला का भी मृत्यु के लिए इंतजार करते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं देखा, कई बुढ़े लोगों को भी हाथ पैर कमजोर रहता है, शरीर कमजोर रहता है, लेकिन मुंह कमजोर नहीं रहता है। वो लोग एक जगह में नहीं बैठ पाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उस शब्दों के द्वारा भी कुछ ना कुछ नुकसान करते रहते हैं, शब्दों के द्वारा कुछ ना कुछ आशीष भी देते रहते हैं। जिस इसका हाथ पैर थोड़ा चल सकता है, वो लोग भी एक जगह में नहीं बैठेंगे, इधर बैठेंगे फिर उठ के उधर बैठेंगे, उनके लिए कुछ ज्यादा जिम्मेदारी नहीं रहता है। बूढ़े लोगों को कुछ बोझ नहीं है दूसरा, फिर भी कोई भी मनुष्य को हम ऐसे कुछ करने बगैर नहीं रह सकते। इसलिए पौलुस कहते हैं, पहले जो क्रूस के पहले आप लोग यहूदी लोग जो 10 नियम और कहीं उसके साथ जो जो जुड़े हुए कई नियमों को पालन करते हुए पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो लोग सब करते थे, हम पहले भी सीख चुके हैं। क्यों व्यवस्था दिया गया है यहूदी लोगों को, आजूबाजू अन्य जाति लोग जो यहोवा को नहीं जानते थे, वो लोग कई चीजों में पाप में बहुत आगे थे, लेकिन पिता परमेश्वर यीशु मसीह को यहूदी जाति लोगों के द्वारा ही इस दुनिया में भेजना चाहता था। इसलिए ये यहूदी जाति यहोवा परमेश्वर को मानने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर का जो मनसा है, इच्छा है, पवित्रता है, उसको जाने करके प्रभु उसको आज्ञाओं को दिया, वो लोग पालन करके करते रहते थे वो लोग, लेकिन उसके द्वारा पिता परमेश्वर को कभी वो लोग खुश नहीं कर सकते थे। केवल कुछ दिनों के लिए उस नियम दिया गया, लेकिन उसके बाद वो लोग करते थे। उसके बाद में अभी यीशु मसीह आ गया, क्रूस में बलिदान हो गया, पिता परमेश्वर का जो भी मानव जाति का ऊपर पाप के विरोध में गुस्सा क्रोध दंड देना था, सब क्रूस में पिता परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह का ऊपर डालकर उसको मार डाल दिया, दंड दे दिया। फिर जो दंड के योग्य लोग मानव जाति जो जो उसका ऊपर विश्वास करेंगे उसको फ्री छोड़ दिया, तुम स्वतंत्र हो गया, अभी तुम धर्मी हो गए, तुम यीशु मसीह मेरे बेटा का बलिदान के ऊपर विश्वास किया ना, मैं जो तुम्हारा पापों को उसका ऊपर डालकर उसको दंड दे दिया करके तुम विश्वास कर रहे हो ना, केवल तुम्हारा क्रियाओं से मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता है, मेरा पुत्र यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करते हुए जो धार्मिकता मैं मुफ्त में दे रहा हूं उसका ऊपर तुम विश्वास कर रहे हो ना, तुम अभी आजाद हो करके प्रभु उनको आजादी कर देते हैं। इधर इसलिए पौलुस हम करते हुए देखते हैं, ये जो कलातिमा हम जिस भाग में हम पढ़े उसमें हम वही देखते हैं, वो अभी 5:13 हम पढ़ते हैं, 5:13, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। इधर पौलुस जो ये उद्धार पाने के बाद में अब नया वाचा के बारे में जो उसके अंदर गए वो लोग के लिए कुछ काम करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि मैं पहले से बता ही ना, कोई भी व्यक्ति काम करने पर नहीं रह सकता, लेकिन पौलुस इधर कहते हैं तुम स्वतंत्र हो गए हो, अभी तुम धर्मी हो गए हो, लेकिन तुम पहले जैसे हम स्वतंत्र हो गया गए अभी कोई हमें देखते नहीं है। कभी कभी बच्चे लोग माँ बाप का अंदर माँ बाप का आधीन में घर में रहते हैं, 11-12 पढ़ने तक, कभी कभी 12 के बाद में कुछ कॉलेज पढ़ाई के लिए दूर में चले जाते हैं,
कोई वो जिस इसका कर में बहुत ये मत करना, वो मत करना, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, बहुत जो जो घटक रीति से बहुत रूल्स डाल के कोई कोई परिवार में स्वतंत्रता देने बगैर कोई कोई बच्चे लोग को बहुत दबाव के साथ वो लोग कुछ रूल्स के साथ अंडर रखते हैं। वो लोग क्या करते हैं मालूम है आप लोगों को? कॉलेज की पढ़ाई में वो लोग हॉस्टल में चले जाते हैं, माँ बाप देख नहीं पाएंगे, इसलिए अपना मर्जी के अनुसार वो लोग सब कुछ करते हैं जो घर में रहते हुए कर नहीं पाए, वो सब कुछ अभी स्वतंत्रता के साथ करते हैं। लेकिन पौलुस उसको बोलते हैं तुम अभी स्वतंत्र हो गया इसलिए ऐसा मत सोचो, अभी मेरा हमारा ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है, ये करो वो करो नहीं है, लेकिन हम इसलिए कुछ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है, करके मत सोचियो मत सोचो, प्रेम से भरो। रोमियो का 5:5 में हम पढ़ते हैं, रोमियो का 5:5 में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अंदर प्रभु का प्रेम उंडेला गया है। रोमियो का 5:5 और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रिय भाई बहनों अभी हम पवित्र आत्मा पालिए हैं, प्रभु का वचन एक नया वाचा के अनुसार हमारे हृदय के पट्टी पर लिखा गया है, पवित्र आत्मा दिए गए हैं, पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा को प्रभु पिता परमेश्वर जो वायदा किया यीशु मसीह क्रूस में कष्ट उठाने के बाद में पवित्र आत्मा जो जो विश्वास करते हैं सबको प्रभु के बच्चों को मिल जाएगा करके जो वायदा किया वो वायदा के अनुसार पवित्र आत्मा में मिल गया है। अभी हमको कुछ काम करना है, प्रेम से भरकर प्रेम में चलकर आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम विश्वास करते हुए वो धार्मिकता जो फ्री में मिलता है क्रूस के द्वारा उसको ऊपर विश्वास करते हुए प्रभु को प्रसन्न करते हुए हम प्रेम में चलते रहेंगे। हम जो आत्मा का फल जो इधर लिखा ना, पर आत्मा का फल सिंगुलर बहुवचन नहीं है, एक वचन है आत्मा का फल, वो नव के अंदर लिखा है। लेकिन जैसे आप देखिएगा एक पौधा में जब कच्चा फल आता है छोटा सा भी, ऐसे आप देखिए एक आम का पेड़ में आम का एक कच्चा फल छोटा सा शुरुआत होता है, जो फूल जब गिर जाता है फूल से वो आकर होकर एक छोटा कच्चा आम छोटा सा क्यूट विधि से छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन बढ़ता है तब आप देख पाओगे वो जिस शेप में होता वही ऐसे बड़ा होते 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 बड़ा आम बनकर फल बनता है। कभी भी वो जब छोटा था उसका बढ़ोती होता है, नहीं तो उसका शेप कभी नहीं बदलता है। प्रिय भाई बहन वही है आत्मा का फल, मतलब आत्मा का फल जब हम प्रभु में आ जाते हैं, उद्धार पा लिया गया, आत्मा मिल गया गए, हम अभी प्रभु की इस मसीह जीवन शुरू किया गया मसीह जीवन में हम आरंभ करते हैं मसीह जीवन को, तब ये आत्मा का फल छोटा सा रहता है ना, वो अंदर रहता है हम, लेकिन कम रीति में हम सब कुछ हम ये कर पाते हैं, जो नव है ना, नम्रता कृपा भलाई विश्वास धीरे शांति आनंद प्रेम ये सब चीजें संयम ये सब संयम ये सब थोड़ा थोड़ा हम देते हैं, लेकिन ऐसे प्रेम में हम पवित्र आत्मा के चलाए जाते हुए आत्मा में चलते हुए हम प्रेम में हम चलते रहते 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 प्रिय भाई बहन वो फल आत्मा का जो फल बड़ा होते जाता है, बिग बड़ा होते जाता है, मतलब क्या है हम उसमें बढ़ जाते हैं, बढ़ोती हो जाता है, ज्यादा से हम प्रेम कर सकते हैं, प्रेम कर पाते हैं, नम्र ज्यादा से नम्र रख पाते हैं, विश्वास ज्यादा कर पाते हैं, भलाई कर पाते हैं, कृपा से भरे रहते हैं, ज्यादा से धीरज बढ़ते जाता है, शांति हमारा अंदर बने रहती है ज्यादा से ज्यादा, वही है एक सयाना होना। प्रिय भाई बहनों ये कब होता है, जिस दिन हम अपना कोशिश जो है मेरा ये करना वो करना इसके द्वारा पवित्र जीवन बिताना है, प्रभु पिता परमेश्वर को यही प्रसन्न कर सकता करके जो जो कोशिश करते हैं उसके द्वारा शारीरिक चीजें भाग रहते वो फल वही है जो उसको छोड़कर विश्वास को पकड़ते हुए जो धार्मिकता विश्वास के द्वारा मिलता है क्रूस के द्वारा
उसको पकड़ते हुए जो जाते हैं वो लोग भी फल देते हैं, प्रेम का फल, आत्मा का फल देते हैं। जो अपना मैं वो विश्वास काफी नहीं है, क्रूस में ये गलती कलिसिया वाले कर रहे थे, क्रूस में जो यीशु मसीह ने मारा, प्रभु पिता परमेश्वर उसको मारा, दंड दिया केवल हमारा उद्धार के लिए, हम अभी प्रभु का बच्चा बन गए हैं, उद्धार पा लिए हैं, अभी हमको शुरू करना है कुछ काम करना। क्या काम करना? ये करना, वो करना, ऐसे कपड़ा पहनना, ऐसे बाल बनाना, ऐसे ऐसे करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे कुछ इतना बजे ही उठना, ऐसे सीधा घुटने टेक कर प्रार्थना करना, ऐसे ऐसे कुछ, ऐसे समय इतना उपवास करना, ये करेंगे प्रभु प्रसन्न रहेंगे, ऐसे शुरू कर देते हैं। ये नहीं है, ऐसे करने वालों का अंदर से जो शारीरिक जो चीजें हैं वो सब निकल आएगा, वो बहुत बड़ा लिस्ट शरीर के काम ही निकल आएगा, वो शरीर का काम जो है फल है, वो फल है, वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता है। लेकिन जो आत्मा से चलाया जाते हैं, अभी ऐसा देखिए पहले जमाने में जगाज कोई भी बड़ा जगह जो मतलब लोग ऐसे एक लकड़ा से वो लोग पानी का ऐसे करते 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 वो लोग आगे, वो लोग ऐसे करेंगे तब बोट आगे बढ़ेगा, कोई भी नाव हो जहाज को स्पीड में जाना है तो और भी ज्यादा फल को इस्तेमाल, बल को इस्तेमाल करना है, और भी ताकत लगाना है, तब जहाज बोट स्पीड में जाएगा। लेकिन तब से इंजन आ गया, मोटर आ गया, अभी देखिए कोई कोई स्कूटर जैसे पानी में चलाने वाला भी है, अब देखिए वो लोग पानी में वो स्कूटर में बैठ जाते हैं, मोटर को चलाते हैं, इंजन को चलाते हैं, वो गाड़ी का इतना स्पीड में जा सकते, जैसे रोड में इतना स्पीड में जाते हैं वैसे पानी में भी इतना स्पीड में वो लोग जाते हैं। जहाज भी बड़ा जहाज, लेकिन इंजन प्रगता के अंदर केवल एक रडर जो पतवार उसको घुमाना गए, वो जो कप्तान, वैसे ही पवित्र आत्मा से जो जो चलाया जाते हैं वो इंजन, नई सृष्टि, नया इंजन हमारा अंदर लगा दिया है। अभी हम अभी शारीरिक रीति से बहुत कोशिश करके प्रभु को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, जब इंजन चालू है पवित्र आत्मा में अगुवाई करते हैं, उसके अनुसार हम अपना स्टीयरिंग, जो गाड़ी का स्टीयरिंग रखता है ना व्हील, उसको हम घुमाना है, इधर जाना है तो इधर घुमाना है, उधर जाना तो उधर घुमाना है, पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हम करेंगे, वो इंजन का सामर्थ्य से गाड़ी चलते रहेगा। देखिए इतना हवाई जहाज इतना भारी वाला है, उसको थोड़ा एक मिलीमीटर भी अब ऊपर कर उठा नहीं सकते, लेकिन उसका अंदर पावरफुल इंजिन्स है, ताकत से भरा हुआ इंजिन्स, और ऐसे सिस्टम्स है कुदरत के अनुसार, कुछ नियम प्रभु ने बनाया उसके अनुसार वो मिलकर सहमत देकर वो पायलट करता है, उसको चलाता है तो ऐसे जूम करके वो ऊपर उड़ जाती है, स्पीड में पहुंचा देता है हमको, 2 घंटा में पहुंचा देता है, हम रेलगाड़ी में बैठेंगे तो 2 दिन लगेगा, 48 आवर्स लगता है, लेकिन प्लेन में बैठेंगे 2 घंटा 2.5 घंटा में पहुंच जाएगा। प्रिय भाई बहन, क्यों वो ऐसे मनुष्य ने ढूंढ निकाला, ऐसे प्रभु हमें ऐसे चाहते हैं। इधर पौलुस वही करता है, आप अभी गलाती कलिसिया वाले पहले जैसे आप जहाज को, अपना जीवन का जहाज को हाथ से वो लकड़ा से आप पानी में ऐसे मेहनत करके करके आप रो करके आप लोग जाते हो, क्यों उसमें वापस जा रहे हो? अभी नया इंजन मिल गया है, पावरफुल इंजन पवित्र आत्मा में आपका अंदर दिया गया है, आत्मा के अनुसार चलो, तब शरीर के लालसाओं को आप तृप्त पूरी नहीं कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे करके बोल रहा है। देखिए अभी एक बच्चा जन्म होता है, 1 साल में ऐसे लगभग 1 साल में वो चलने लगता है, चलने तक उसको तकलीफ होता है सीखने के लिए, एक बार वो उसका मगज में कैसे चलना आ गया, संतुलन कैसे हम करना है अपना पैर को, वो आ जाता है अच्छा से बैठ जाता है, वो पूरा बुढ़ापन तक
ऐसे वो कुछ मेहनत के मेहनत नहीं करना है, वो कैसे मैं मेरा दाएं पांव को कैसे मैं आगे रखूंगा, इसको कैसे कितना दूर तक रखना है, इसको कैसे हम दौड़ना हो तो मुझे कितना ऐसे करना है वैसे करना, कभी भी हम नहीं सोचते। एक बार एक साल हो गया हम सीख लिया दौड़ने के लिए चलने के लिए, बुढ़ापन तक हम कोई भी मेहनत के बगैर हम दौड़ते रहते हैं चलते रहते हैं स्पीड में चलते हैं। फिर ये भाई बहन वही है पौलुस लिखते हैं, पहले हम ये सब हमारा दूसरा व्यवस्था का अंदर हम थे, पूरा ये रूल वो रूल अभी नहीं है, स्वतंत्र हो गए हम, अभी प्रेम हमारा अंदर राज्य कर रहा है, पवित्र आत्मा हमारा अंदर भगते रहता है, भरा हुआ रहते हैं हम पवित्र आत्मा से, वही हमें चलाएंगे। हम कुछ सोचना सोचने पर जैसे एक पक्षी ऊपर उड़ रही है, वो कुछ सोचेगा नहीं, प्रभु ने उसको दो पंखों नहीं दिया, उसके अनुसार उसको बनाया दोनों पंखों को, कुदरत का जो हवा फिजिकल लॉ के अनुसार वो उड़ती है, आसान से उड़ती है ऊपर उकाब समान। ऐसे ही मेरे भी मेरा जीवन में मैं बोल सकती, मेरा गवाही 15 साल में मैं प्रभु को स्वीकार किया, लेकिन जब मैं जवानी पन थी बन में थी तब मैं इतना प्रभु को 100% प्रसन्न करना चाहती थी, पवित्र रहना चाहती थी, एक छोटी एक चीज में भी प्रभु को मैं दुख लाना नहीं चाहती थी। लेकिन प्रिय भाई बहनों मुझे इतना आइडिया नहीं था, प्रभु का वचन का प्रकटीकरण नहीं था, मैं ऐसे जैसे कलाती लोग कर रहे थे ऐसे मैं भी कर रही थी, जो ये रूल वो रूल ये निर्णय वो निर्णय पवित्र जीवन बिताने के लिए, लेकिन मैं हार चुकी थी, इसलिए मैं दुख के साथ तरती थी। मसीह को स्वीकार करने के बाद में भी विजय जीवन जीवन मुझे नहीं था, लेकिन मैं जब प्रभु पवित्र आत्मा से मुझे भरा, प्रेम का इस संदेश और प्रभु का प्रेम को मैं जान लिया और ये आत्मा से चलाया जाने के लिए मैं अपने आप को सौंप दिया, तब पवित्र जीवन भी आसान से हो जाता है। वो सीख लिया जैसे एक बच्चा सीख लेता है चलने के लिए, वैसे अब सीख लीजिए ये सच्चाई को, सीख लीजिए प्रकटीकरण को, आपका अपना अंदर लीजिए, गलाती कलशिया वाला जैसे मत रहिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए वो भी विश्वास के द्वारा ही जो मिलता है धार्मिकता क्रूस के द्वारा, वही है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ही होगा। प्रेम जो परमेश्वर हमारे अंदर उंडे लाग है, प्रभु का प्रेम, उसके द्वारा जब भी हम चलाए जाते हैं, हम आत्मा का फल हमारे जीवन में हर घड़ी हम देते रह सकते हैं। प्रिय भाई बहनों कितना अच्छा है, लेकिन जो जो नियम के अनुसार वापस पवित्र जीवन बिताने के लिए जाते हैं वो लोग के बारे में पौलुस 26 वचन में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। 26 वचन में हम घमंडी होकर एक घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। और वो 5 में वो घमंड के बारे में लिखा है, 26 में छेड़ने के बारे में लिखा है, डाग के बारे में लिखा है। फिर भाई बहन काइन के बारे में देखिए, काइन वो बलिदान लेके आया सब्जी और फल, लेकिन आबिल क्या लेके आया, बलिदान एक अच्छा एक पैलौटा बकरा को लेके आया, भेड़ को लेके आया, बलिदान दिया, लघु बकाने दिया वेदी पर, वो यीशु मसीह को दिखाता है, उसके विश्वास के पर वो आया, अपना जो मेहनत जो काइन जैसे वो सोच रहे घमंड के साथ, वो क्या आदम उसको सिखाया होगा ऐसे ऐसे बलिदान को ही प्रभु प्रसन्न रहते हैं, पाप क्षमा होता है, तुम पवित्र रगना तो प्रभु के पास धर्मी रगना तो तुम्हारा पाप क्षमा होना तो वही करना है। उत्पत्ति का किताब में हम देखते हैं परमेश्वर का जब फल काइन का फल और सब्जी को प्रभु इनकार कर दिया, उसके द्वारा जो जो पाप वो किया गया उसका माफी नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर उससे बात करते हैं, तुम ये आबिल जो किया बलिदान वैसे तुम ऐसे बलाई बलिदान जो मैंने सिखाया तुम्हारा पापा को वही तुम किया होता तो तुम पाप के ऊपर तुम जय पा सकते हो। पाप तो हमेशा तैयार रहेगा तुम्हारा दरवाजा के सामने पड़ा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर तुम कैसे राज्य कर पाओगे, ऐसे बलिदान तुम करना है।
वो एक लघु बखान आ गए, वो मेरा पुत्र का लघु बखाने वाला आ गए, उसके समान तुम एक एक बेड को तुम बलिदान चढ़ाना है, तब मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। प्रभु ने वही सिखाया, लेकिन वो क्या किया, नहीं घमंडी होकर, नहीं आबिल के बारे में वो ढाग किया, गुस्सा हो गया, वो अपना क्रिया से पवित्र रखना चाहता था, इसलिए एबिल को मार डाला, हथियार बन गया। देखिए प्रिय प्रिय भाई बहन, जो जो ऐसे करते हैं, अभी देखिए कलीसिया में थोड़े लोग रहते हैं, 25 नहीं तो 50 लोग रहते हैं। कोई कोई लोग क्या करते हैं, कोई कोई थोड़ा ही कुछ, कोई कोई लोग क्या है, कलर कलर कपड़ा पहनना चाहते हैं, अच्छा से कान में पहनना चाहते हैं, गले में पहनना चाहते हैं गगने, लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, हम ज्यादा पवित्र करके सफेद कपड़ा पहनते हैं, कुछ पहनते नहीं है, कान में गले में गगना नहीं पहनते हैं, मेकअप नहीं लगाते हैं, ऐसे चलते हैं, ज्यादा उपवास में कर सकता हूँ करके करते हैं। जो दूसरे लोग जो वो नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग सोचेंगे वो बगन कितना पवित्र है, वो सफेद कपड़ा, वो सफेद साड़ी वो पहन पाती है, मेरा मन तो उसको नहीं हो पा रहा, मेरा मन को मन उसको इनकार कर रहा है, कलर कलर कपड़ा में मुझे अलग अलग डिजाइन कपड़ा पहनने में मुझे इंटरेस्ट रखता है, मैं इतना उपवास नहीं कर पा रही हूँ। कोई वो भाई को देखो, नॉनवेज ही नहीं खाता है, सब्जी खा के इतना अच्छा से पवित्र जीवन बिताता है, मैं तो चिकन मटन खाने बगैर मुझे नहीं रह पाता हूँ। इसलिए ये दोनों कंपेयर करते हैं क्रिया, इसलिए क्या आता है, वो निराश आ जाता है, ढाग आता है, गुस्सा अपना ऊपर गुस्सा आता है, उस बार दूसरे लोग को भी गुस्सा आता है, प्रेम नहीं रहता है। यही पौलुस कहते हैं, जो व्यवस्था के अनुसार अपना खुद का क्रिया के अनुसार क्रिया के ऊपर भरोसा रखते हुए आप लोग और प्रभु को प्रसन्न है पवित्र जीवन करना प्राप्त बिताने के लिए आप कोशिश करेंगे तो यही होगा, कलीसिया के अंदर यही रहेगा, घमंड रहेगा, डाग रहेगा, निराश रहेगा, हरावट रहेगा, शरीर के काम सब जो पौलुस ने लिस्ट लगाया है सब प्रकट होएगा। इसलिए पौलुस कहते हैं ऐसे मत रहो, आत्मा के लिए समर्पण करो, प्रेम के लिए समर्पण करो। अब ये दूसरा क्रिया करो, प्रेम से भरकर एक दूसरे को प्रेम करो, आत्मा में से चलाया जाओ। प्रभु प्रभु का वचन कहता है ना, रोमियो का 8 में पढ़ते हैं, रोमियो का 8 में जब हम पढ़ते हैं उसमें जो जो प्रभु का आत्मा से चलाया जाते हैं वो लोग प्रभु के पुत्र पुत्री हैं। रोमियो का 8:15 में पढ़ सकते हैं, प्रिय भाई बहनों कितना अच्छा वचन है, क्योंकि तुम को दासत्व की उसके पहले वचन हम पढ़ सकते हैं, वो प्रभु के क्योंकि 15 पढ़ेंगे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। वो 13 में पढ़ते हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर 14 इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाया चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर का पुत्र मतलब क्या है, हम सबको बोलते हैं ना, वो मम्मी जैसे ही है, वो माँ जैसे उसका गुण है, उसका पप्पा जैसे, ये बेटा को देखो पप्पा जैसे इसका गुण आया है। हम परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाएंगे तो हमारा पापा हमारा हे बाबा पिता करके पिता परमेश्वर को हम पुकारने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर, पुत्र यीशु मसीह का अंदर जो आत्मा है वो हमारे अंदर दिया गया है। जैसे यीशु मसीह अब्बा पिता करके पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, वैसे हम भी अब्बा पिता करके हम पुकार सकते हैं। वो अब्बा पिता जो उसका गुण है हमारे जीवन में प्रकट होएगा, लोग देखेंगे बोलेंगे हे पिता परमेश्वर यीशु मसीह जैसे इसका गुण है
वही आत्मा का फल है। ऐसे ही दिखाई देगा परमेश्वर का गुण, वही आत्मा का फल। वो नवमी हम पढ़ते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब परमेश्वर का गुण है। वो हम हमारे द्वारा भाग रहा जाता है। हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री होकर हम लोगों के सामने दिखाई दे सकते हैं। हमारा जो ये करो वो करो इससे पवित्र जीवन वो नहीं है, ये हम आत्मा का फल देते रहेंगे। बागर जो जो हमको देखते हैं वो लोग सब लोग वो लोग इतना पवित्र रखते हैं, परमेश्वर का गुण से भरे रखते हैं, परमेश्वर जैसे ही रखते हैं। प्रिय भाई बहन, ऐसे जीवन आपको चाहिए, नहीं तो आप ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे इसलिए मैं पवित्र हूं करके वो हम दिखाएंगे दिखाना चाहेंगे, वो तो एक गुलामी पन है। उससे बाहर आइए, जो स्वतंत्रता प्रभु में दिया है, हम कभी भी लास्ट श्वास छोड़ने तक हमारा विश्वास क्रूस में बलिदान हुआ यीशु मसीह के ऊपर हम जो किया विश्वास, उसके द्वारा ही हम पवित्र गिना जाते हैं। आप शायद आपका 99 हो सकता है, आपका जीवन अभी जाने ही वाला है, वैसे ही दो दो थोड़े घंटों में थोड़े क्षणों में, फिर भी आप आपका खुद का धार्मिकता से पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। जो जो यीशु मसीह को स्वीकार किया उसके धार्मिकता का ऊपर जो विश्वास के द्वारा आता है वो उसको पवित्र है। प्रभु मुझे धर्मी कराया है, यीशु मसीह का धार्मिकता मेरा धार्मिकता है। मैं जो कार्य कर रहा हूं अभी, जो प्रेम से भरकर जो करना है, मैं आत्मा का फल को देते रहता हूं, वही है प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु हमारे लिए प्रतिफल देंगे, हम एक दूसरों को प्रेम करेंगे, प्रेम से भरे हुए हम सेवकाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारे लिए प्रतिफल मिलेगा। यही इतना आसान एक रास्ता है प्रिय भाई बहन, इंजन से चलाया जाया गया ऐसे उड़ता है हवाई जहाज को, हमेशा याद रखिए वही रोमियो काट में एक दूसरा वचन में लिखा गया पाप का प्रमाण, वो जो उसका वो भी रूल और मृत्यु का रूल हमारे ऊपर राज नहीं करेगा कर पाएगा। हम ऐसे उड़ेंगे क्योंकि आत्मा के अनुसार हम चलाए जाते हैं। यही एक आसान तरीका है पवित्र जीवन बिताने के लिए, एक हल्का हल्कापन, एक स्वतंत्रता के साथ हम खुशी के साथ मसीह जीवन बिता सकते हैं। हमारा मुंह में हमेशा आनंद खुशी दिखाई देगा, ज्योति दिखाई देगा, निराश नहीं है। बीमार रहेगा तो भी, कुछ कमी घटी रहेगा तो भी, कुछ समस्या रहेगा तो भी, हमारे जीवन में हमारा मुंह को देखने वाला देखेंगे इतना प्रकाश है इस बहन का मुंह में, इसका भाई का मुंह में कितना प्रकाश से भरा हुआ एक मुंह है, क्योंकि हम आत्मा से चलाए जाते हैं, आत्मा का पल्ला हमारा द्वारा प्रकट होते रहता है। वही कितना एक अच्छा जीवन है प्रिय भाई बहन। प्रभु इस प्रकटीकरण को आपका जीवन में दे, आपको स्वतंत्र करें और आपको आजादी करें। आपका आजादी को भूलना नहीं है। एक बार एक कहानी में पढ़ी, उसमें एक व्यक्ति ने एक बैलगाड़ी को चला के जा रहा है रोड पे, अब वो सड़क के किनारे में एक बुड्ढा अपना सिर को ऊपर बड़ा बोझ को उठाकर वैसे खड़ा रह रहा। तब ये गाड़ी चलाने वाले बोलता है बैलगाड़ी, काका आप कहाँ जाना है? मैं उस गांव फलाना गांव में जाना है। ठीक है, आप मेरा गाड़ी में बैठ जाइए, मैं करके वो फिर बैठ गया। फिर वो गाड़ी बैलगाड़ी चलाने वाला चलाते रहा। थोड़ा समय के बाद पीछे मुड़ के देखा तो ये बुढ़ा आदमी क्या है, अभी भी वो इतना बड़ा बोझ को कष्ट उठा के अपना सिर के ऊपर लेकर ऐसे बैठा हुआ है। वो बहुत चकित हो गया, उदास हो गया। वो बैलगाड़ी चलाने वाला बोल रहा था, काका क्यों ऐसे कर रहे हो? अभी वो आपका बोझ लेके नीचे वो गाड़ी में रखो, आपके पास सिर के ऊपर मत रखो। अब वो बैल जा रहा है, वो गाड़ी वो उसको उठाएगा, अब क्यों कष्ट उठा रहे हो? कई मसीह लोग ऐसे करते हैं, नया वाचा का अंदर आने के बाद में भी, ये नया वाचा का गाड़ी में चढ़ने के बाद में भी, जो पुराना नियम का जो नियम है उसके द्वारा जो मिलने वाला पवित्र जीवन बिताने के लिए अपना सिर के ऊपर बोझ को रखे 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 थक जाते हैं, बैठ गए बैठ रहे हैं बैठे हुए हैं वो गाड़ी का ऊपर, नया वाचा को ऊपर, लेकिन अंदर है लेकिन
रग रहे हैं, महसूस कर रहे हैं बोझ, वो बोझ ये बोझ। प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको प्रकटीकरण दे ताकि आजादी के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ और अनेक लोगों को प्रभु का आत्मा का फल को प्रकट करते हुए, प्रभु का गुण को प्रकट करते हुए मसीह जीवन मतलब कितना मजा आ रहा करके लोग देखने दीजिए, कितना आशीषमय जीवन करके लोग देखने दीजिए। वही है ये जीवन है, प्रभु आपको आशीष करें। आमीन।